यशु छठा बाब और यरहू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदा ने यशु से कहा कि देख, मैंने यरहू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है, सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। और नून के बेटे यशु ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ और 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चलें। और उन्होंने लोगों से कहा, भरकर शहर को घेर लो और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदावंद के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यीशु लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला और वो मुसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यीशु ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावन के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया, तब वो खैमागाह में आए और वहीं रात काटी। और यीशु सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठा लिया और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए और दुम्बाला खुदावंद के संदूक के पीछे पीछे चला और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमा गांव में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पौ फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फक्त उसी दिन फिरे। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यीशु ने लोगों से कहा, ललकारो क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा, फक्त राहब कस्बी और जितने उसके साथ उसके घर में हों वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासिदों को जिनको हमने भेजा छुपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना, ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इसराइल की खैमागाह को लांती कर डालो और उसे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावंद के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावंद के खजाना में दाखिल किए जाएं।
پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بڈھے کیا بیل کیا بھیڑ کیا گدھے سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا اور یشو نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس قصبی کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ۔ تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا، لیکن یشو نے راہب قصبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا۔ اس کی بودواش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے، کیونکہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو یشو نے یرہو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا، اور یشو نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یرہو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور معلوم ہو۔ وہ اپنے پہلوٹھے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو خداوند یشو کے ساتھ تھا اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی۔